राजनांदगांव जिले के इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को नवीन आपराधिक कानून के संबंध में कार्यशाला आयोजित कर जानकारी दी गई। भारत सरकार द्वारा 3 नवीन आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं। राजनांदगांव में पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने जिले के पत्रकारों को 3 नवीन कानूनों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कार्यशाला में नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस की भूमिका और पत्रकारों की भूमिका के बारे में बताया। जैसा कि सबको विदित है, 1 जुलाई 2024 से भारत के जो 3 मेजर क्रिमिनल एक्ट्स हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस, उनको बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 3 नए कानून भारत में लागू हुए हैं। उन्हीं की जागरूकता को लेके लगातार राजनांदगांव पुलिस और प्रशासन अवेयरनेस कैंपेन चला रही हैं अलग अलग वर्गों के साथ, अलग अलग समुदाय के साथ और युवाओं के साथ, व्यापारियों के साथ, सभी वर्गों के साथ लगातार मीटिंग्स कर रही हैं। उसी श्रृंखला में आज पत्रकार साथियों के साथ में एक अवेयरनेस सेशन और सेंसिटाइजेशन सेशन रखा गया था, जिसमें क्या बदलाव नए कानून में आए हैं, क्या नागरिकों को जानने की ज़रूरत है। मीडिया सबसे स्ट्रॉन्ग माध्यम है हमारा और मीडिया के माध्यम से हमारी यही अपेक्षा है कि हमारे मीडिया के साथी भी समझें क्या चेंज आए हैं और उनसे पब्लिक को भी फायदा मिले। पब्लिक भी अपने जो अधिकारों, क्या नए अधिकार पब्लिक को मिलते हैं, क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, चाहे वो FIR, 0 FIR, EFIR से लेके चालान पेश होने और न्यायालय में निर्णय मिलने तक की जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें क्या बदलाव आए हैं, सजाओं में क्या बदलाव आए हैं, इन सब के बारे में उनको जागरूकता हो, उनके अधिकारों के बारे में उन्हें पता हो, इसी उद्देश्य से आज ये सेमिनार रखा गया था। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।